सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आज रविवार को बावल पहुंची। यात्रा के बावल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रवीण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में ताकत दिखाई। प्रवीण चौधरी ने रेवाड़ी से अपना काफिला लेकर बावल पहुंचे। प्रवीण चौधरी ने कहा कि उनका पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा में बीता, पार्टी ने अगर मौका दिया तो वे बावल से चुनाव लड़ेंगे। उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। प्रवीण भाई, आज इतनी गाड़ियां लेके कहां के लिए काफिला रवाना हो? देखो, जैसा आपको पता है कि हम तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, हमने पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। मैं ही नहीं, मेरे दादा, परदादा, मेरे पिताजी, हम बचपन से, जब मैंने जन्म लिया, हम कांग्रेस ही रहे हैं। और आज बावल से हम चुनाव लड़ने की तैयारी पिछले कई सालों से लगे हुए थे। लोगों का आशीर्वाद है, भाई को का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि आप बावल से तैयारी करो। आज मेरे साथ आप देख रहे हो कि गाड़ियों का काफिला आज बावल के लिए, जो बावल से लोग हैं, जो आसपास गांवों के लोग हैं, करनावास, नंदरामपुर बास वगैरह से जितने भी आसपास के गाँव हैं, सभी मेरे साथ आज गाड़ियों के साथ जा रहे हैं। और जहाँ हमने अपने MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करेंगे चिरंजीव भाई के नेतृत्व में, आज वहाँ पर भी हमारे लोग बावल शहर से पहुँचे हुए हैं। और आज आप देख रहे हो कि जैसे लोगों को प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बावल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे अगर मौका मिलता है। किस तरह के लोगों के बीच में जाओ आप देख रहे हैं कि पिछले नगर परिषद में हरियाणा में किस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोगों को लूटा जा रहा है, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार। किस तरीके के नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है आप देख रहे हो। मैं पार्षद हूँ रेवाड़ी से, पिछले 3.5 साल में जो आवाज़ हमने, मैंने और हमारे ग्रुप पार्षद भाई बहनों ने उठाया, कोई नहीं कर सकता। हमने अवैध कब्जे बचाए, 8-8 करोड़ रुपए की ज़मीनों पर कब्जा हो जाता, हम उनके खिलाफ़ खुल के बोले हैं। गरीब लोगों के BPL कार्ड काटे गए तो सबसे पहले भाई, आपके भाई ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 250-300 महिलाओं के साथ DC साहब को ज्ञापन देने का काम करा। जो भी सरकार की गलत नीति है उसके खिलाफ हमने सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम करा। यदि मुझे मौका मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरे युवा साथियों के साथ नौकरी में जो पेपर लीक, रोज आप देख रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं, और उनको नौकरी के नाम पे कौशल रोजगार जो पोर्टल इन्होंने बना दिया है, अगर हमारी सरकार आती है कांग्रेस की, तो सबसे पहले हम इस पोर्टल को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस की एक लंबी उम्मीदवारों की एक लंबी कतार है, बावल विधानसभा की बात करें, आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? देखो, ये कैसे करते हैं कि टिकट मुझे मिले? लंबी कतार है, मैं उनका सभी का मान सम्मान करता हूँ, वो भी हम पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, हम उसको निभाने का काम करेंगे। मैं इस ब्याह पे टिकट मांग रहा हूँ कि मैं जब 18 साल का था, मैं यूथ कांग्रेस का जिला का जनरल सेक्रेटरी में बन के आया, जिला का उपाध्यक्ष में रहा, इलेक्टेड 2018 में मैं जिला अध्यक्ष बना, मैंने हरियाणा प्रदेश SC डिपार्टमेंट में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करा। और कांग्रेस जहां से मैं हूं, और मेरे पिताजी 360 गांव के चौधरी हैं जाटव समाज के, हमारे वार्ड से जब कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा था 2014 में, जो नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग गए थे, तो आपका भाई कांग्रेस पार्टी के साथ था, भाई चिरंजीव राव के साथ था, कांग्रेस की नीतियों के साथ था। और उन्होंने रिकॉर्ड, अगर रेवाड़ी शहर, रेवाड़ी विधानसभा का अगर किसी के नाम रिकॉर्ड दर्ज है सबसे ज़्यादा जीत का, तो वो आपके भाई के वार्ड का है। और आपके भाई ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करा है और करता रहूँगा। विधानसभा की आप बात करें तो आप किस तरह देखते हैं, मतलब क्या विकास कार्य होना था जो नहीं हो पाया? बावल में आप देखिए, आकार मचा हुआ है बावल में। आज मैं ज़्यादा नहीं कह देता था, पानी की समस्या देख लीजिए आप, सीवरेज की। आज पिछले 5 साल में एक भी, अगर कोई वार्ड पार्षद बावल का बता दे, रेवाड़ी का बता दे, एक भी सीवर लाइन अगर कहीं डली हुई तो आप मेरे को बता दीजिए। पानी की समस्या, 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा। दक्षिण हरियाणा में जो भेदभाव हो रहा है, अगर मुझे मौका मिला, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा, सच्चाई की मैं लड़ाई लड़ूंगा, बुजुर्गों का मान सम्मान रखेंगे। हम आते ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है बुजुर्गों को 6,000 हम पेंशन करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और रोजगार, जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के साथ जो इस सरकार ने धोखा करा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आप
आज कितना मतलब वॉल लेके जा रहे युवा साथी लेके जा रहे आप देख रहे हैं, आज कम से कम मेरे साथ 150 गाड़ियों का काफिला है और कम से कम आज बस आप देख रहे हैं, महिला भी मेरी आशीर्वाद देने आई है और बावल शहर में जो शहर के हैं वो उधर पहुंच रहे हैं, वहां पे भी आपको भीड़ एक जनसमूह मेरे लिए प्यार देखने को मिलेगा। और पार्टी, मैं तो एक होर्डिंग नेता नहीं हूँ, मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी परिवार में कोई नेता एमएलए नहीं रहे, मेरे पिताजी एक कर्मचारी थे, रिटायर हो गए, पर मैंने संघर्ष करा है बचपन से, तो मैं उस संघर्ष के लिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो राहुल गांधी जी के विश्वास पर हम इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। चुनावी ताल ठोक दिए हमने।